उनके पास ऐसा कुछ ना कुछ वेपन दीजिए, जैसे कि पेपर स्प्रे हो गया, या फिर उनको सेल्फ डिफेंस सिखा दीजिए। देखिए, जान देना हर किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। प्रॉब्लम के साथ लड़ना, प्रॉब्लम को फेस करना, उसमें बहादुरी है। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम रही अगर, तो आप उसका सलूशन ढूंढिए, उससे लड़िए, ना कि यहाँ पर आकर जान दे दीजिए। और जो जवान बच्चे हैं, जवान बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनके माँ बाप से मैं ये गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर ना डालें, अपने बच्चों को अपनी मर्ज़ी से फील्ड चूज़ करने का अधिकार दीजिए। क्योंकि आप चाहते हैं, माँ बाप चाहते हैं बच्ची मेरी डॉक्टर बने, बच्चा मेरा इंजीनियर बने, जबकि बच्चे के अंदर क्वालिटीज़ होती है डॉक्टर की। वो आप देख रहे हैं एमसीएन समाचार और मैं हूँ सैयद फरहान। अभी अब मौजूद है सलीम अली लेक पर, जो कि बहुत सालों पहले बंद हो चुका है। यहाँ पर जो है अभी 20 अगस्त 2024 को सुसाइड हुआ है। एक 21-22 सालाना जवान लड़की ने यहाँ पर पानी में कूद कर खुदकुशी कर ली है। ये जब बंद हुआ था उसकी वजह भी यही थी, लड़की मेरा मतलब लड़की ने सुसाइड की थी यहाँ पर, वो वजह से ये बंद हो चुका था। उसके बावजूद यहाँ पर बैक टू बैक ये जो है तीसरी मौत यहाँ पर हो चुकी है। थर्ड टाइम यहाँ पर सुसाइड हुआ है। और हमको यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे पता चला है कि जो सुसाइड हुआ है तो 21 साल की लड़की थी, छावनी की रहवासी थी। उसी के साथ हमको ये पता चला है कि डिप्रेशन में आकर उसने ये कदम उठाया और 20 अगस्त 2024 को उसने ये खतरनाक घातक कदम उठाया। और फिर पुलिस को इसकी इत्तला मिली 22 तारीख को शाम में। जैसे ही पुलिस को इसके बारे में पता चला, पुलिस ने सबसे जल्द से जल्द उसकी बॉडी को बाहर निकाला और उसे घाटी अस्पताल लेकर गए। वहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित हो चुका है कि ये सुसाइड है। घर वालों से पूछताछ की पुलिस वालों ने तो पता चला कि डिप्रेशन में थी लड़की और वो वजह से उसने ये कदम उठाया। सोशल मीडिया पर बहुत सारे न्यूज़ चल रहे हैं कि उसके पीठ पर ऐसे खंजर के ये निशान थे, ये थे, वो थे, खंजर के निशान थे और ये एक मर्डर है, साजिश है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जहाँ तक पुलिस वालों से बात की, उन्होंने बताया कि ये सुसाइड केस है, डिप्रेशन में आकर लड़की ने ये कदम उठाया है। और जैसे कि आप अभी आप देख रहे हैं कि गर्ल्स की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया में, तो मेरी जो जवान लड़के लड़कियां हैं उनके माँ बाप से गुजारिश है कि अपनी बेटियों की और बेटों की सेफ्टी के लिए आप कुछ ना कुछ करिए। जो बेटी आपकी या बेटा आपके अकेले ट्यूशन वगैरह जाता है तो आप उनको ऑटो लगवा दीजिए। भरोसेमंद आदमी के पास, कोई बाहर का गहरा गहरा आदमी के पास आप बिल्कुल नहीं करिए ऐसा। अपनी बेटियों के पास ऐसा कुछ ना कुछ वेपन दीजिए, जैसे कि पेपर स्प्रे हो गया, या फिर उनको सेल्फ डिफेंस सिखा दीजिए। तो ये जो मसला है यहाँ पर लोग आ रहे हैं इसको सुसाइड पॉइंट समझ लिया है। देखिए मेरे पीछे नज़ारा, इतना बेहतरीन नज़ारा है, ये इतना अच्छा नज़ारा है। यहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं इसको सुसाइड पॉइंट समझ रहे हैं और फिर यहाँ पर आकर सुसाइड कर ले रहे हैं। ये जगह का नाम ख़राब कर रहे हैं। ये जगह जब बंद हुई थी, वजह भी ये इसकी बंद होने की वजह भी यही थी कि यहाँ पर किसी ने सुसाइड कर लिए थे कुछ सालों पहले। उसके बाद एक और केस यहाँ पर मालूम हुआ था, फिर उसके बाद में दो आदमी और पाए गए थे यही तालाब में। उसके बाद अभी एक और केस आ चुका है। तो मेरे लोगों से गुजारिश कि आप ऐसे घातक कदम ना उठाइए। अपने माँ बाप के बारे में एक बार सोच लीजिए कि वो आपको कितने नाजों से पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। एक अपने माँ की, एक अपने बाप के एक ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा या बेटी सक्सेसफुल बने इस दुनिया में। तो मेरी लोगों से जो जवान बच्चे बच्चे उनसे गुजारिश है कि ऐसे घातक कदम ना उठाए और डिप्रेशन में जाने से पहले क्या प्रॉब्लम है अपने माँ बाप से शेयर करिए। क्योंकि पेरेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। आपके जो माँ बाप है आपके सबसे अच्छे दोस्त है, वो आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, उसका सलूशन देंगे। या फिर आपके दोस्तों से बात करिए अगर आपके माँ बाप से बात करने को डर लगता है, अपने जो दिल में उनको बताइए, फिर वो सलूशन निकालेंगे। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम रही अगर, तो आप उसका सलूशन ढूंढिए, उससे लड़िए, ना कि यहाँ पर आकर जान दे दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप तो सेफ हो जाएंगे, मगर आपके माँ बाप, सबसे ज़्यादा आपके माँ बाप को तकलीफ़ होंगी इस चीज़ से। एक बार अपने माँ बाप, भाई बहन, परिवार वालों के बारे में सोच लीजिए
और ये कदम ना उठाए। और जो जवान बच्चे हैं, जवान बच्चियाँ है, लड़कियाँ हैं, उनके माँ बाप से मैं ये गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर ना डालें, अपने बच्चों को अपनी मर्ज़ी से फील्ड चूज़ करने का अधिकार दीजिए। क्योंकि आप चाहते हैं, माँ बाप चाहते हैं बच्ची मेरी डॉक्टर बने, बच्चा मेरा इंजीनियर बने, जबकि बच्चे के अंदर क्वालिटीज़ होती है डॉक्टर की, वो कोई बच्चे के अंदर क्वालिटीज़ होती है टीचर की। जो बच्चा करना चाह रहा है उसको करने दीजिए। आप ऐसा करते हैं फिर बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके बाद में सुसाइड कर लेते हैं, फिर आप ही रोते बैठते हैं कि हमारा बच्चे ने ऐसा कर लिया। ये बड़ी गलत बात है समाज के अंदर। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, तो बोलते हैं इंजीनियर हुआ है, कोई लड़की पैदा हुई तो डॉक्टर हुई है। अरे आपने उसके पैदा होने के 5 मिनट बाद ही डिसाइड कर लिया कि वो फ्यूचर में क्या करेगा। तो बचपन से ये जब डिसाइडेड होता ही है, तो बड़े होने के बाद में जब उनके अंदर उनकी जो क्वालिटीज़ जब बाहर आती हैं, आप उनको दबा देते हैं, तो बच्चा डिप्रेशन में जाता है। सबसे ज़्यादा इसके अंदर गलती है माँ बाप की। इसके जो ज़िम्मेदार है माँ बाप है। तो माँ बाप से मेरी गुजारिश है कि ऐसा ना करें। और देखते रहिए MCN समाचार सैयद फरहान के साथ।